पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल चकवाल चैप्टर के जेर एहतमाम पर्ल सिटी स्कूल बुछाल कलान में मुकाबले मालूमात सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। मुकाबले में इलाके भर से 10 टीमों ने शिरकत की। यूनिक पब्लिक स्कूल कलर कहार की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की, पर्ल सिटी स्कूल बुछाल कलान ने दूसरी और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुफावाला की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तमन्ना मोदतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, तमन्ना मोदतों से है जमाले। मशवरा कर लीजिए। सर 3 इडली में गलत है जी, 5 इडली में। पहला जवाब गलत होगा, सवाल ठीक है। कुरान करीम की किस सूरत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया? अलम नशरा। क्यों परेशान होकर बता रहे हैं? सही है, बिल्कुल जवाब आपका। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी का इंतकाल गजवा बदर के मौके पर हुआ था? हजरत नहीं जी, हजरत कुशा। आपके दो जवाब गलत हो गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफात के बाद आपकी कफालत किसने की थी? आपके चाचा अबू तालिब ने। आपके चाचा अबू तालिब ने, बिल्कुल सही जवाब है जी। मुझे कोशिश करें ताली उसके लिए। हजरत से सबसे ज्यादा वाकिफ किस शादी को करार दिया था? हजरत सही जवाब है जी। किस गजबे के दौरान मुसलमानों ने नायम नामी किले पर कब्जा किया था? किस खतरे के दौरान मुसलमानों ने नायम नामी किले पर कब्जा किया था? बेटा गजबा याद तो एक मैदानों में हुआ था, पहाड़ों के पास हुआ था, उसमें कोई किला था ही नहीं। गजबा खैबर हलीमा सादिया ने। हजरत शोबिया, हजरत मोहम्मद सादिया, तीन मैंने बताया था। इसे कौन? तुम्हें अमन ये यहाँ कहने में कोई हार नहीं कि आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ इन्हीं की शफकत, इन्हीं की मोहब्बत और इन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि ये छोटा सा इदारा भी चल रहा है। और मक्का किस सन हिजरी में फतह हुआ था? सन 8 हिजरी में। सन 8 हिजरी, बिल्कुल सही जवाब है जी। यूनिक पब्लिक स्कूल की पहली टीम आई थी, सबसे पहली टीम बॉयज की। उन्होंने 10 में से 10 जवाब सही दिए थे, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। बहुत सारी बातें। अब सेकंड जो है पर्ल सिटी गर्ल्स और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कलर का गेम मुकाबला, सॉरी पर्ल सिटी गुफावाला बॉयज और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुफावाला इनका गेम मुकाबला है। ये दोनों टीम है, इनमें से जो टीम आखिर में आई थी उसका आप आखिर में आए थे। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जो इसमें देने सोच के देने हैं और 15 सेकंड के अंदर देने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए कि क्वेश्चन बहुत आसान है और आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। ज़कात 30 साल हिजरी में फर्ज हुई थी, दो हिजरी में, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बच्चों का जवाब आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुल कितनी हिजरतें हुई थी? तीन। बिल्कुल सही जवाब है जी, तीन। Pearl City School appreciates efforts of all students and their teachers. भरपूर तालियां यहां मौजूद हर तमाम तालिबे इल्म और उनके टीचर्स के लिए। So we are working on a single target कि जिस तरह मोतियों की चमक दूर से दिखाई देती है, तो इंशाल्लाह Pearl City School भी ऐसे चमकेगा कि ना सिर्फ इस गांव में बल्कि दूर दराज तक इसकी चमक जाएगी इंशाल्लाह। नौशहरावादी सोन से मलक जाहिद फारूक अवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला खुशाब के सदर डॉक्टर नईम सादक अवान और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा नियाज बेग की जेर क़यादत पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पर पंजाब भर की तरह जिला खुशाब में भी बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमती नाकस पॉलिसियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जोहराबाद पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा नालायक और नाअहल हुक्मरानों को करार दिया गया। एहतजाजी मुजाहरा प्रेस क्लब से शुरू होकर मेन रोड तक गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में जिला तहसील सिटी टाउन और डिवीजन के पार्टी अहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और गोनियाजीगो के नारे लगाए। खानगढ़ से ख्वाजा मंसूर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ थाना सिविल लाइन में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, सगे भाई जलाद बन गए, हैरत के नाम पर सगी बहन समेत पूरे खानदान को जला दिया। वारदात में मुलव्वस 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आग में 7 अफराद झुलस कर जहां बहक हो गए। बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद यूनियन काउंसिल मुनारा में पहला इजलास चेयरमैन मलक असलम अवान सेठी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन मलक शौकत हयात मुनारा, काउंसलर मलक तसवर मुनारा, काउंसलर मलक एजाज मुनारा, काउंसलर मलक दिलावर ममताज वसनाल और काउंसलर मलक इकबाल ने शिरकत की। कराची से आगा मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब पेट्रोल पंप पर धमाका, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसे में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।